निगम भिलाई के वार्ड 7 के पार्षद आदित्य सिंह ने पूरे निगम परिसर में घूम घूम कर अनोखे अंदाज में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का आभार जताया है। श्री बघेल के कुशल नेतृत्व की वजह से पूरे प्रदेश को गरीब बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल उपलब्ध हो पाया और भिलाई आज खेल नगरी के रूप में पहचाना जा रहा है। शुक्रवार को निगम सभागार में सामान्य सभा का आयोजन किया गया था। इसी बीच पूरे निगम परिसर में वार्ड 7 के पार्षद आदित्य सिंह कुछ अनूठे अंदाज में घूमते नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर प्रदेश के मुखिया का आभार जताने वाला बैनर पोस्टर लगाया हुआ था और कह रहे थे, धन्यवाद काका। वार्ड 7 के पार्षद आदित्य सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार इसलिए जता रहे थे क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता की वजह से प्रदेश के ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई से वंचित रह जा रहे थे, उन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही भिलाई शहर पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि की वजह से आज भिलाई खेल नगरी के रूप में पहचाने जाने लगा है। 4 वर्ष से लगभग हमारी सरकार को पूरे हो चुके हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार को, और नगर निगम में हम लोगों के कार्यकाल को भी लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल जी के सहयोग से लगातार हमारे भिलाई शहर में जो आत्मानंद स्कूल खुल रहे हैं, उससे गरीब बच्चों को या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं ले पाते थे महंगे स्कूलों में, उन सभी को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं काका को धन्यवाद करने आया हूँ। काका ने यहाँ पर अभी तक 5 स्कूल चालू किए जिसमें लगभग 4,000 से अधिक बच्चे अभी तक इसका लाभ ले रहे हैं और भविष्य में भी और स्कूलें भी हमारे क्षेत्र में खुलने वाली है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा आभार करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा खेलगढ़ बनता जा रहा है भिलाई, उसके लिए भी मैंने आभार किया मुख्यमंत्री जी को। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से खेल मैदान लगातार, चाहे क्रिकेट की बात करें, बैडमिंटन की बात करें हम लोग, या वॉलीबॉल मैदान की बात करें, चाहे वो टाउनशिप हो या स्मृति नगर का लॉन टेनिस मैदान हो, हर तरफ खेल को भी बढ़ावा देने का काम हमारे महापौर जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, उनके निर्देशन पर कर रहे हैं। तो मैंने काका को विशेष रूप से धन्यवाद देने के लिए आज सदन में अनूठे रूप से आज एंट्री ली। जिस तरह से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार, बहुत जल्द मुझे लगता है कि लोग प्रदेश में और नेशनल में खेल कर तो आ ही रहे, जल्द वो नेशनल में हमारे छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल दिलाएंगे और नाम रोशन करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा खेल और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चे अपना उज्जवल भविष्य की तस्वीर देख पा रहे हैं और अपने हृदय से अपने मुखिया का कोटि कोटि धन्यवाद भी करते नजर आते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।